Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ये ने बोले के बचाए वो भोला सोया उठा के नहीं वेला ने कम्मा देखो कितना दिन चढ़ गया है बोले के बा अभी उठा के आई हूं आता होगा और वैसे भी बोले के बा जो लड़का रात को सोए दिन देर तक सोया रहे उसे वेला ने कम्मा नहीं कहते उसे कुवारा भी कहते हैं अच्छा जी आप ना परेशान हुआ करें चंद दिनों बाद उसकी शादी है बीवी आएगी उसे खुद ही संभाल लेगी हर टाइम ना डांटा करे मेरे बेटे को चाय पिए जल्दी से रोटी ला दे बड़ी भूख लगी है अच्छा मेरे बेटा ला देती हूँ रोटी पहले सोया उठा मुंह तो धो ले जाके अम्मा तूने वो बात नहीं सुनी शेरों के मुंह धुले होते हैं देख बोले अब तो ये गुब्बारे बेचने छोड़ दे चंद दिनों बाद तेरी शादी होने वाली है लोग क्या कहेंगे तू ना मेरे साथ दुकान पे जाएगा अब्बा मुझे ना गुब्बारे बेच के ना बड़ा मजा आता है अब्बा वो मेरा दोस्त नहीं शफीक हाँ हाँ वो मुझे कहता है बोले शादी के बाद ना बड़े मजे आते हैं अच्छा अब्बा तेरी भी शादी हुई है हाँ तुझे भी मजे आए थे यार बकवास कर रहा हूँ ठहर तुझे मैं बताता हूँ ओए पापा जी वो देखो बुला रहा है हाँ वो तुझे पता है शादी हो रही है इसकी सुना है यार मैंने भी मिल गई होगी कोई भोली वाली सी और नहीं बड़ा जबरदस्त पीस मिला है इसे वो तूने देखा है ओ हाँ इसके मामू की बेटी है यार चलो आप भी राजशुगल करें क्या इसकी बीवी की तस्वीरें देखते हैं चल देखते हैं चल ओ बोले क्या हाल है सुना क्या हो रहा है वो शादी की तैयारियां हो रही हैं ओए बोले तेरी शादी कब है अगले हफ्ते है अम्मा कह रही थी चावलों की देगे बनेगी मुर्गी डालकर भोला नए कपड़े भी पहनेगा तुम फकीर भी आ जाना पेट भर के खा लेना कह रहा है कोई बात नहीं यार तूने हमारी शादी पे बोटियां नहीं खाई छोड़ यार बोले चला चले यार बोले अपनी गाड़ी मंगवा ले एक जगह जाना है किधर मैंने गुब्बारे बेचने गुब्बारे छोड़ के काम जाना है हमने नहीं नहीं अम्मा ने कहा है शादी के बाद बड़ी जिम्मेदारियां हैं अच्छा छोड़ अगर नहीं जाना तो साइड पर आप बात करनी है बोल बात तेरे साथ ये करनी थी कि शादी के बाद अपनी बीवी पे रोब डाल के रखना है तो बगरना ये औरतें बहुत तंग करती हैं बाद में ये अपनी बीवी पे रोब तो नहीं डालता मैंने कल देखा इसके घर जाके इसकी बीवी इसे झाड़ू से पिटाई कर रही थी भाभी की तस्वीर तो दिखा यार ना ना अम्मा ने कहा है गलत काम कोई नहीं करना और नहीं यार दिखा हमारी भी भाभी है वो दिखा तो सही ना ना यार दिखा तो सही हम तेरे दोस्त हैं हमने तस्वीर नहीं दिखाएगा मैंने तुझे दिखाई नहीं थी जा यार हम नहीं बोलते हम नहीं बोलते यार ऐसे ही एक तो तुम दोनों नाराज हो जाते हो अच्छा दिखाता हूँ ये है मेरी होने वाली बीवी ओए ये क्या माल है यार अपनी बीवी को जाके देख मोटो फैंसी वो होगी माल दे मुझे मोबाइल चल अच्छा मेरे बेटा सारी तैयारियां हो गई अच्छा बोला कि आगे से भूख लगी होगी सब्जी काट रही थी खाना बना लो फिर बात करते हैं ठीक है अल्लाह हाफिज बोले क्या हुआ मेरा बेटा बता माँ को क्या हुआ किसी ने कुछ कहा अम्मा
वो शफीक नहीं है, वो कहता है भोले तेरी होने वाली बीवी ना माल है, माल माल तो वो होता है जो जो चट फटे की दुकान पे ना वो गाड़ी में ला के दे के जाता है। वो कहता है चाचा माल चाहिए, चाचा फटा कहता है हाँ थोड़ा दे दे खत्म हुआ है, मम्मा वो मेरी होने वाली बीवी को माल कह रहा है। तूने तस्वीर दिखाई है, दोस्तों को नहीं दिखाते, समझदार हो जा, अब तेरी शादी होने वाली है, अभी तेरी बेगम से बात कर रही थी, बरात पे लाल रंग का लहंगा पहन रही है वो, तेरा पैंट कोट लाई हो क्या आ गया? अच्छा बस मेरा बेटा खुश खुश रहा कर। क्या हुआ बोले? अम्मा वो मुझे ना जिठानी याद आ गई, वो मैं चाहता हूँ मेरी शादी पे ना मेरी अपनी जिठानी मुझे सुरमा डाले। चल लाना होते जिठानी तो वो तेरी बीवी की होगी, तेरी वो भाभी है। और परेशान ना हो, अगर शादी पे वो ना आ सकी ना, तेरी ताई की ना तुझे सुरमा डाल देगी। अपने शादीशुदा दोस्तों के पास बैठा कर, उनसे पूछा कर शादी के बाद जिंदगी कैसे गुजारते हैं। तू छोड़ना इन बातों को, तू बता रहा था ना कि शादी के बाद बड़े मजे आते हैं, तो बता ना तू क्या करता है, क्या खाता है? ओ यार बोले, मैं तो रात को सोने से पहले ना रोज दूध जलेबियां खाता हूँ, वो ये शादी शुदा मर्दों के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है, तो मैं तो कहता हूँ जब तेरी शादी होगी ना तो रोज दूध जलेबी खा के सोया करना, फिर देखना कितने मजे आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। एक बात कहूँ, आप ना बड़ी प्यारी हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। एक सेल्फी लें, प्यारी है। अच्छा एक गेम खेले, गेम खेलो ना, आप ऐसा करो एक से लेके 100 तक कोई भी इंसान सोच लो, बोलने का ना दिमाग बड़ा तेज है, आपको फौरन बता दूंगा आपने क्या सोचा है। अच्छा चले सोच लिया। अब उसमें ना उतने ही अपनी अम्मी के डाल दो, डालिए 10 मेरे डाल दो, डाल। अब आधे फकीर को दे दो, दे दिए। अम्मी से जो लिए थे ना वो अम्मी को वापस दे दो, दे दिए। बाकी 5 बचे ना, 5 है ना, है ना? हाँ। देखा बोले का दिमाग कितना तेज है ना। मेरे ख्याल से थक गए हैं, सोते हैं। अच्छा ऐसा करो आप सो जाओ, बोला तो दूजले भी खा के सोएगा। सुनिए मुझे सर्दी लग रही है। हुँ?
ये ले लो। सुनिए, मुझे अभी भी सर्दी लग रही है। बोलने के बाद ना सारा हल है। सुनिए, मुझे अभी भी सर्दी लग रही है। बोला आपको रजाई ला दे? नहीं, पहले जब मुझे सर्दी लगती थी ना तो मैं अपनी अम्मी के साथ सो जाती थी। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? आपकी अम्मी को लाने। चम चम चमके